हे गाइस, कैसे हो सारे? यकीन करता हूँ कि अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, बिल्कुल इजी स्टेप्स में। एंड गाइस, साथ ही मैं आपको बैकग्राउंड को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लर करना सिखाऊंगा। जैसे कि गाइस, आप सब देख सकते हैं पिक्चर में एकदम पूरी तरीके से बैकग्राउंड ब्लर है, जो दिखने में काफ़ी क्रिएटिव सा लग रहा। सो मैं आपको कुछ इस टाइप का एडिटिंग सिखाऊंगा। सो आप सब वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड गाइस, उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप की एडिटिंग करने के लिए गाइस, सबसे पहले आपको जिस भी पिक्चर को एडिट करनी है, जस्ट उसे आपको लाइट रूम में ओपन कर लेनी है। सो जस्ट मैं यहाँ से अपने पिक्चर को लाइट रूम में ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ से पिक्चर को थोड़ा यहाँ से क्रॉप कर लूँगा। सो जस्ट मैं यहाँ से अनलॉक करके एंड जस्ट नीचे से थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ। एंड कुछ इतना करने के बाद गाइस, सबसे पहले आपको इसका लाइट एडजस्टमेंट करनी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से लाइट वाले बटन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट है, इसे मैं 10% ऐड कर लेता हूँ। एंड गाइस, जो हाईलाइट है लगभग, मैं इसे लगभग 30 के अराउंड डिस्क्रीज करूँगा। आप सब अपने पिक्चर के हिसाब से इंक्रीज या डिस्क्रीज कीजिएगा। एंड जो शैडो है, इसे भी लगभग मैं 20 के अराउंड इंक्रीज कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस हमारे पिक्चर में ज़्यादा शैडो नहीं है। एंड कुछ इतना करने के बाद गाइस, जस्ट मैं यहाँ से मिक्स टूल में आ जाऊँगा। एंड मिक्स टूल में जाने के बाद गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ से फेस का कलर जो होता है ऑरेंज, जस्ट ऑरेंज को सिलेक्ट करके एंड इसका सेचुरेशन आपको 10% डाउन कर लेनी है। एंड जितना भी आपको फेस वाइट चाहिए उसके हिसाब से आप सब लुमिनियंस को इंक्रीज कर लीजिएगा। फिलहाल मैं लुमिनियंस को भी 40 के अराउंड इंक्रीज कर लेता हूँ। एंड कुछ इतना करने के बाद गाइज, और भी जो आपको बैकग्राउंड में कलर डालनी है आप यहाँ से डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से येलो का सेचुरेशन +100 कर दूंगा एंड ग्रीन का भी मैं यहाँ से सेचुरेशन को +100 कर लेता हूँ। एंड गाइज, जो यहाँ से ग्रीन का ह्यू है, जस्ट मैं इसे -100 कर लूँगा। एंड अभी देख सकते हैं हमारे पिक्चर में यहाँ से पूरी तरीके से जो है यहाँ से येलो टोन डल चुका है। सो जस्ट कुछ इतना करने के बाद गाइज, और भी जो आपको कपड़ों वगैरह का कलर है आप सब उसका सेचुरेशन वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड कुछ इतना करने के बाद गाइज, जस्ट आपको ऊपर से डन कर लेनी है। एंड डन करने के बाद जस्ट आपको इफेक्ट में जानी है एंड टेक्सचर को 10% एंड क्लैरिटी को भी आपको 10% ऐड करनी है। एंड डिटेल्स वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको शार्पिंग को जस्ट आपको 40% इंक्रीज़ करनी है एंड डिटेल्स को पूरा, एंड नॉइज़ डिटेक्शन को 20% एंड डिटेल्स को पूरा, एंड कलर नॉइज़ डिटेक्शन को 30% एंड डिटेल्स एंड स्मूथनेस को आपको पूरा इंक्रीज़ कर लेनी है। एंड गाइज, अभी आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर हमारा पिक्चर कुछ इस टाइप से एडिट हो चुका है। सो जस्ट उसके बाद गाइज, आपको जो है आफ्टर फोकस प्रो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो जस्ट मैं यहां से शेयर वाले बटन पे क्लिक करके अपने पिक्चर को जो है जस्ट आफ्टर फोकस प्रो एप्लीकेशन में शेयर कर लेता हूं। सो जस्ट गाइज, ये रहा हमारा जो है आफ्टर फोकस प्रो एप्लीकेशन। सो जस्ट मैं इसमें अपने पिक्चर को ओपन कर लूँगा। एंड गाइज, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। सो जस्ट आपको ऊपर से यहाँ से इसको कैंसिल करनी है। एंड सबसे पहले गाइस, जो यहाँ से आपका जो ऊपर वाला यहाँ से एरिया जो सिलेक्ट रहेगा, इसमें गाइस आपको केवल बॉडी को आपको सिलेक्ट करनी है। सो जस्ट मैं यहाँ से बॉडी पे कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लूँगा। एंड गाइस, जो हमारा ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है जिसपे मॉडल बैठा हुआ है, उसे भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। एंड गाइस, जस्ट आपको यहाँ से ऊपर से आपको थर्ड वाले आपको बटन पर क्लिक करनी है एंड इसमें गाइस जस्ट आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करनी है। एंड अभी देख सकते हैं हमारे यहाँ से पूरी तरीके से बैकग्राउंड जो है सेलेक्ट हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत आपका छूट जाता है तो आप जूम करके सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अभी देख सकते हैं गाइस, हमारा बॉडी पे यहाँ से थोड़ा बहुत पार्ट छूट गया है। सो जस्ट मैं यहाँ से ऊपर में फर्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके एंड जूम करके इसे भी यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। एंड आप सब गाइस, इसे अच्छे से कीजिएगा। फिलहाल मैं आपको ये टोटली बताने के लिए कर रहा हूँ। एंड फिर से मैं यहाँ से मॉडल को अच्छी तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा। एंड थोड़ा बहुत आपका जो है यहाँ से, जैसे हाथ के नीचे अभी देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड है। सो जस्ट मैं यहाँ से थर्ड वाले बटन पे क्लिक करके एंड इसे मैं जस्ट रिमूव कर लूँगा। एंड कुछ इतना करने के बाद गए, जस्ट आपको यहाँ से ऊपर में आपको नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा। जस्ट आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करनी है। एंड अभी गाइस देख सकते हैं बैकग्राउंड हमारे यहाँ से थोड़ा ब्लर हो चुका है। सो इसे और ब्लर करने के लिए जस्ट आपको नीचे ब्लर वाले आपको बटन पे क्लिक करनी है एंड यहाँ से आपको ब्लर का अमाउंट मिल जाता है। आपको जितना भी रखनी है आप अपने हिसाब से
रख सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ इतना ब्लर रख लूँगा एंड नीचे में गाइज आपको अपर्चर मिल जाता है, जस्ट आपको अपर्चर पे क्लिक करनी है एंड यहाँ से बोकिन वाले आपको बटन पे क्लिक करनी है एंड यहाँ से जितना भी आपको बैकग्राउंड में बोकिन चाहिए, जो यहाँ से जो आपका जो है बैकग्राउंड में जो है वाइट वाइट करके लाइट जैसा दिखता है वहीं बोकिन होता है। सो आप जितना भी बोकिन रखना चाहते हो उतना आप रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से 100 कर देता हूँ तो आप अभी देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारा यहाँ से लाइट जैसा बोकिन आ चुका है। एंड कुछ इतना करने के बाद गए जस्ट आपको यहाँ से नीचे से कैंसिल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है एंड अभी देख सकते हैं हमारा पिक्चर यहाँ से पूरी तरीके से ब्लर हो चुका है। सो जस्ट आपको यहाँ से सेव वाले बटन पे क्लिक करके एंड जस्ट यस वाले बटन पे क्लिक करनी है एंड उसके बाद गाइस आपका पिक्चर यहाँ से गैलरी में सेव होने लगेगा। सो आपको यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा एंड आपका पिक्चर जो है गैलरी में यहाँ से सेव हो जाएगा। सो गाइज ऐसे ही करके आप सब यहां से अपने पिक्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हैं। एंड गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सो यकीन करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।